दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको थोड़ी पानी की फ़िटिंग की जानकारी दूंगा कि उसमें PPR की फ़िटिंग को हम CPVC में कैसे कन्वर्ट करें या किसी भी फिटिंग को कैसे हम अडेप्टर लगा के चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ी झिरी काटी है, पुरानी फ़िटिंग PPR की हुई भी है और नई फ़िटिंग हमें इसमें CPVC की करनी है। PPR की फ़िटिंग आप जानते हो हर कोई कर नहीं पाता है, उसमें परेशानी भी बहुत होती है, इसलिए हमने इसको CPVC में कन्वर्ट करा है फिटिंग को। उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, CPVC को कन्वर्ट करने के लिए या PPR से CPVC कन्वर्ट करें, ये अडेप्टर लगाए जाते हैं, इन्हें मेल और फीमेल अडेप्टर कहते हैं। पुरानी फिटिंग PPR की हुई भी है और ये PPR की मशीन थी जिसमें गर्म करके जोड़ लगाया जाता है। इसको मैंने कन्वर्ट कराया CPVC में और ये CPVC 1.5 इंची पाइप है जिसकी फिटिंग मैं आगे कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ दिन बाद मम्मटी जाएंगे, पत्थर रखे जाएंगे, उसके बाद इनकी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। टैंक, दो टैंक 500 लीटर के रख के इनका मैं पानी चालू कर दूंगा। आगे कभी भी CPVC की फिटिंग करने में इनको आगे कभी परेशानी नहीं आएगी। अंडरग्राउंड में PPR की मशीन घुसाने के लिए ज़्यादा तोड़ना पड़ता है जिससे परेशानी भी काफ़ी आती है। और पानी के पाइपों का CPVC में ये देख के लेना चाहिए कि वो पाइप हमें ओरिजिनल दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर लोकल पाइप आप लेके आ गए, सैनिटरी में लोकल सामान बहुत मिलता है, इसलिए आप के लेके आइए, हमें ओरिजिनल पाइप चाहिए असली वाले। ये 1.25 इंची की कैंची है जिससे मैं 1.25 इंची का टैंक निप्पल के सुराख कर रहा हूँ, जिससे एक ही बार में हो जाएगा। हो सके तो मैं इसी से ये कीजिए, प्लास्टिक के टैंक निप्पल कोई सी भी फिटिंग का हो उस पर एयरोराइड जो लगा उससे लीकेज आगे कभी भी नहीं होती है। टेक्निक पर मैं हाथों हाथ लीकेज नहीं होती है, महीने 6 महीने में होती रहती है। अगर उसके ऊपर एयरोराइड लगी हो तो आगे कभी भी लीकेज का खतरा नहीं रहता है। आप अपने घर में जब भी CPVC या UPVC की फिटिंग करवाए तो सॉल्वेंट हो सके तो एमसील कंपनी या किसी अच्छी कंपनी के ब्रांड का सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, उसकी पकड़ अच्छी होती है, क्योंकि मार्केट में सैनिटरी के अंदर पाइपों में में समय ज़्यादा डुप्लीकेट माल आता है। जितना हो सके आप उससे कहें हमें ओरिजिनल सामान दें और उसका ही इस्तेमाल करें, वरना आपको लीकेज की समस्या आ सकती है। थैंक यू। और लहसुन भी ले लीजिए, बटर बोलिए।